आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर प्रदेश की सारी सहकारी समितियों को भी कंप्यूटरीकृत करने का शुभारंभ किया है। राजधानी देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग की योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित तमाम शीर्ष नेतृत्व भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पीठ भी थपथपाई है और कहा कि घसियारी योजना निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। साथ ही इस मौके पर प्रदेश की सारी सहकारी समितियों को भी कंप्यूटरीकृत करने का शुभारंभ किया। राजधानी देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग की योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित तमाम शीर्ष नेतृत्व भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पीठ भी थपथपाई, उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि घसियारी योजना निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने उत्तराखंड में, इसको लेकर बीजेपी पुरजोर मेहनत में लगी हुई है। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का यहां पर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश की सारी सहकारी समितियों को और ज्यादा हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है। राजधानी देहरादून में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग की योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जो है देखने के लिए मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री मौजूद रहे। मैं गत चुनाव में आया था, मैंने कहा था अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे और आज 4.5 साल के बाद आया हूं, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है। मैं आराम से बाद में इसके बारे में बात करूंगा, मगर मैं आज भी कहना चाहता हूं कि अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है मित्रों, और इस वादे से हम कभी पीछे मुड़कर देख नहीं सकते। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी एक कार्य योजना बना रही है जिसके तहत देश भर के सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी को, पैक्स को हम कंप्यूटराइज कर जिला बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का अनुमोदन किया था, इसका शुभारंभ हुआ। हम जानते हैं इस देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत मौसम के अंदर गाय को चारा डालना है, भैंस को चारा डालना है, हमारी माताओं बहनों को चारा लाने में कितनी दिक्कत आती है। यहां पर लगभग 1000 एकड़ की खेती और 2000 किसान ये मक्के की खेती करेंगे और उसमें से एकदम साइंटिफिक तरीके से पौष्टिक पशु आहार बनाने की यहां पर योजना हुई है। 1 लाख किसानों तक इसका फायदा पहुंचने वाला है। थोड़ा बहुत तो मौसम अच्छा होगा तब लीला चारा भी डालना पड़ेगा।
लालकुआ में प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल ने बीजेपी को डबल इंजन की सरकार कहते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि इन 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने जनता को सिर्फ ठगा है। जनता 2022 में बीजेपी सरकार को इसका जवाब देगी। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवक है, हमेशा जनता की सेवा के लिए आगे रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और विकास में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि सरकार को गंभीर होकर इन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए। लालकुआ की तस्वीरें जहां पर 2022 में दोबारा सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस पुरजोर मेहनत में लगी हुई है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। इसके साथ साथ तमाम बैठकों का दौर भी जारी है। तो लालकुआ में प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया है और कहा कि इन 4.5 सालों में बीजेपी सरकार ने जनता को सिर ठगा है। जनता 2022 में बीजेपी सरकार को इसका जवाब देगी। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवक है और हमेशा जनता के लिए काम करती रहेगी। 200 बेड के अस्पताल के बारे में भी बता चुका हूँ। NRHM के माध्यम से भारत सरकार की योजना है, वो बन रहा है। कहीं भूमि उपलब्ध नहीं थी, 60 रुपया की भूमि वहाँ खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ बन रहा है। लेकिन जो 30 बेड का अस्पताल, जिसको सामुदायिक भवन के रूप में हम कहते हैं, जिसमें आवासीय भवन भी होते हैं, जिसमें अन्य सारी सुविधाएं होती हैं, तो वो अभी तक लंबित है। तो ये विकास की सोच आप सब लोगों के सामने, भाजपा का विकास जनता का जो है वो जनता को अब दिख रहा है। और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी इस प्रदेश में, फिर से जितने भी हमारे काम रुके हुए हैं वो बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और ऐसा संदेश जाएगा कि कांग्रेस निश्चित रूप से काम करेगी। ऐसा मेरा मानना है, कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई, जहां योगेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए बताया कि दैवीय आपदा से सबसे ज्यादा तबाही ऊधम सिंह नगर में हुई है। पूरे जिले में 50 से 60 सालों से बसे गरीब मजदूरों की तबाही के बाद भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुध लेने के लिए नहीं आया। सरकार की मंशा गरीबों के नुकसान की भरपाई करना नहीं है, क्योंकि सरकार इस समय चुनाव की तैयारी में है। उन्होंने बताया कि आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित गरीब मजदूरों की फसल सड़कर बर्बाद हो गई है, किसान परेशान हैं और भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। दरअसल आप बता दें कि बीते दिनों आई आपदा के बाद लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सितारगंज में बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दैवीय आपदा जो आई अब की बार उत्तराखंड में, इसमें ऊधम सिंह नगर में बहुत तबाही मची है। पूरे जिले में तमाम डाम क्षेत्रों में जो लोग गरीब लोग बसे हुए हैं पिछले 50-60 सालों से, अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसमें सुध लेने नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री जी आए यहाँ खटेमा में तो सेल्फी लेने में मशगूल रहे, ठेले पे मूंगफली खाने में मशगूल रहे और फोटो वायरल करने में मशगूल रहे। बड़े खुश रहे लोग जब मुख्यमंत्री जी ठेले पे मूंगफली खा रहे हैं, लेकिन बगल में वहीं शारदा डैम में उसके अपरिष्टीन क्षेत्र में इतने लोग डूब रहे हैं, बेघर हो गए हैं, नानक सागर में, बैगुल सागर में, ढोरा सागर में, उसके अलावा और भी जहाँ डाउन क्षेत्र था, चाहे सितारगंज का एरिया हो, शक्ति फार्म, नानक मत्ता, गुलर भोज का एरिया हो, गदरपुर का, रुद्रपुर का, इतनी तबाही मची, ऐसा मंजर आया तबाही का आपके साथ, लेकिन उसको बिल्कुल संकुचित कर दिया। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली गोपेश्वर पोखरी सड़क बीते 13 दिनों से सिंजड़ी गांव के पास क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, जिससे बछेर और हापला घाटी के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग में क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण से पहले
अनुमति लेने के नए आदेश के चलते क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारीकरण में देरी हो रही है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कें अभी भी क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जिनका मार्ग जो है इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो इन्हें ठीक किया जा रहा है और ना ही कोई दूसरा रास्ता यहां पर तैयार किया जा रहा है, तो आम जनता बेहद परेशान नजर आ रही है। तो ये रोड है 19-20 तारीख को जो बारिश हुई थी, उस बारिश के कारण ये सड़क टूट गई थी, लेकिन ये गोपेश्वर से पूरा पोखरी लिंक करता है, पोखरी से रुद्रप्रयाग तक जाता है और इस रोड से कम 20-30 गांव से भी अधिक गांव जुड़े हुए हैं। और आज आप देख ही रहे हैं इस तरह की कंडीशन हो गई है, पूरी सड़क टूटी, अभी तक यहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाया, ये बड़ा दुर्भाग्य है। सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे यहाँ से टीचर्स लोग आते हैं विद्यालयों के लिए, उनकी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सारे सब लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, विद्यार्थियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, यहाँ पर से कई लोगों का अपना व्यापार है, दूध का व्यापार है, दूध नहीं कर उन लोगों का समय तो पहुँचा, तो ये बड़ा दुख की बात। ये तो जो पिछले 17-18 तारीख को भारी बारिश हुई थी उस रात को ये टूट गया था, आज लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और अभी यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ से 17-18 गाँव जुड़ता है इस रोड से, तो काफ़ी दिक्कत हो रही लोगों को आने जाने। प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को ये दिवाली से पहले तो मुश्किल लग रहा पर, लेकिन जो लोग दूर दराज से घर आते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। शासन प्रशासन की उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जो 18-19 तारीख की भीषण अतिवृष्टि हुई थी, उसमें पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग के किलोमीटर 54 में एक बड़ी दीवार वॉश आउट हो गया है मार्ग, और उसको खोलने की कार्रवाई गतिमान है। उसके संबंधित आकलन अधीक्षण अभियंता कार्यालय से भी कल दिनांक 29 को अग्रेसित कर दिया गया है और इस पर अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है, लगभग 1 माह के समय के अंतर्गत इसको खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग के पंच केदारों में तित्तय केदार और चंद्रशिला की तलहटी में बसे भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज लगनानुसार शीतकाल के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के पावन अवसर पर सैकड़ों भक्त तुंगनाथ धाम पहुंचकर कपाट बंद होने के साक्षी बने और जय भोले के उद्घोषों के साथ भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोरी का भव्य स्वागत किया। ब्रह्मबेला पर विद्वान आचार्यों वेद पाठियों ने पंचांग पूजन के तहत भगवान तुंगनाथ सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर आरती उतारी और श्रद्धालुओं ने भगवान तुंगनाथ के स्वंभू लिंग पर जलाभिषेक कर मन्नत मांगी है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कपाट बंद होने पर सैकड़ों की संख्या में भक्त जन यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, तो जय भोले के उद्घोष के साथ बाबा तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। उनकी डोरी पूरे शहर में घुमाई गई और उसके बाद यहाँ पर कपाट बंद होने के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, तो मंत्रोच्चारण के साथ आखिरकार बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी में खेल मैदान पुरौला के विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ में कई खेलकूद प्रतियोगिताओं कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य अतिथि प्रमुख क्षेत्र पंचायत पुरौला रीता पवार ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी अपनी खेल विधाओं में दमखल लगाकर आगे बढ़ें, मेहनत से काम किया जाए जो निश्चित ही सफलता मिलेगी। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर रीता पवार मुख्य अतिथि के रूप में यहां मौजूद रहीं। दरअसल उत्तरकाशी में खेल मैदान पुरौला के विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ में कई खेलकूद प्रतियोगिताओं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य अतिथि प्रमुख क्षेत्र पंचायत पुरौला रीता पवार ने शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी अपनी खेल विधाओं में दमखम लगाकर आगे बढ़े, मेहनत से काम किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। वहीं जिला युवा कल्याण अधिकारी विजय प्रताप भंडारी ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत भी किया। उत्तरकाशी में केंद्रीय विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।
साल 2018 से साल 2020 तक केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सीबीएसई की तरफ से दिया गया प्रमाण पत्र जिलाधिकारी ने केंद्रीय स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा मखीजा को सौंपा है। वहीं प्रमाण पत्र और ट्रॉफी पाने के बाद सभी छात्र छात्राओं के चेहरे भी खिल उठे। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें जहाँ पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रमाण पत्र यहाँ पर छात्र छात्राओं को दिए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल उत्तरकाशी में केंद्रीय विद्यालय की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। साल 2018 से साल 2020 तक केंद्रीय विद्यालय उत्तरकाशी की तरफ से बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सीबीएसई की तरफ से दिया गया प्रमाण पत्र और जिलाधिकारी ने केंद्रीय स्कूल की प्रिंसिपल मनीषा मखीजा को सौंप दिया। वहीं प्रमाण पत्र और ट्रॉफी पाने के बाद सभी छात्र छात्राओं के चेहरे भी खिले खिले नजर आए। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ की तरफ से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल और उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बदसलूकी की है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बता दें कि दोषियों को सजा दिलाने को लेकर किस तरह न्यायिक लड़ाई लड़ी जाए इस पर मंथन भी किया गया। इस कड़ी में अधिवक्ता राज्य आंदोलनकारी रमन शाह ने बताया कि नैनीताल में 31 अक्टूबर को एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में देश भर से आए आंदोलनकारी अपना विचार भी रखते हुए नजर आए। नैनीताल की तस्वीरें, बदसलूकी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये मंथन पूरा यहाँ पर किया गया है। मंथन में तमाम विचार विमर्श किया गया, न्यायिक लड़ाई को लेकर ये मंथन यहाँ पर किया गया है। दरअसल नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ की तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल और उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने कहा है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बदसलूकी की है उन लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ बता दें कि दोषियों को सजा दिलाने को लेकर किस तरह न्यायिक लड़ाई लड़ी जाए इस पर भी मंथन किया गया। इस कड़ी में अधिवक्ता राज्य आंदोलनकारी रमन शाह ने यह भी कहा है कि नैनीताल में 31 अक्टूबर को एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन भी किया जा रहा है। संगोष्ठी में देश भर से आए आंदोलनकारी अपने विचार रख सकते हैं। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता ने खुद फांसी लगाकर खुदकुशी की। वहीं विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी लड़की को ससुराल पक्ष की तरफ से लगातार परेशान किया जाता था जिसको लेकर उसने आत्महत्या की है। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन भी की जा रही है। रुड़की का ये पूरा मामला है जहाँ पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसे मारा है। लड़की को तलाक दी थी, हमने उसके पास फ़ोन किया, अब एक कैसा हुआ मतलब हमने सर लड़की को तलाक दी थी अपने ले जाओ। अब मैंने उसके भाई के पास फ़ोन किया लड़की के, अब उसने बोला कहला भाई तू पता कर को देख उसको। अब उसने जब फ़ोन किया कहला को वहाँ से भाई तलाक दी थी अपने को ले जाओ। यहाँ पे आके देखा तो घर पे तो कोई नहीं है, उससे फ़ोन किया लड़के के पास, अब मैं तो हॉस्पिटल में यहाँ से अपना तो हॉस्पिटल में मिला हाँ। ये मामला, ये हमारी एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है जो कि मगरूपुर की रहने वाली है, जिसकी शादी यहाँ रामपुर में हुई है। तो इस लड़की की मृत्यु हो गई है। ससुराल वालों ने फ़ोन किया है घर पे लड़की के। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच रही इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल रुड़की के रामपुर गांव निवासी अब्दुल कुदूस नाम का एक व्यक्ति भंगेड़ी गांव में अपने परिवार के साथ करीब 9 सालों से रह रहा है। अब्दुल कुदूस का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। वह इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
रुड़की का ये पूरा मामला, जहां पर एक परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर नजर आ रहा है। पूरा मामला ये है सर, हमने ये जमीन 2012 में अशरफ सनोब अकबर बंगेडी महावतपुर से खरीद ली थी, बैनावा करा लिया था इस जमीन का, और जब से ही हम 2012 से ही यहाँ पर मकान बनाकर इस जमीन पर काबिज है। पूरा मामला ये है कि मैं यहाँ रात को सो रही थी और ये काम पे चले गए थे बुकिंग पे, और जब रात को 2:30 बजे का टाइम था तो 4-5 लोग दीवार तोड़ने आए थे ये, और जब मैं डर के मारे बाहर निकली तो मुझे देखा उन्होंने मेरे साथ छिन्ना झपटी करी, मेरे कपड़े फाड़े, और फिर जब मेरे बच्चे को मारने के लिए आए वो, और मैंने डर के कुंडा बंद कर लिया। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है, और तोड़ मरोड़ की राजनीति में राजनेता भी थाली के बैंगन बनकर रह गए हैं। कभी इस नाव में सवार होते हैं। बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आने वाले सभी नेताओं को 2017 के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में ठीक आधे यानी 5 मंत्री कांग्रेस से आने वाले नेताओं को बनाया गया। इसमें यशपाल आर्य, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य शामिल थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव आने से ठीक पहले सूबे के सियासी नब्ज को समझते हुए यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ घर वापसी कर गए, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाली आम आदमी पार्टी ने ऐसा दल बदलू नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का रहता है और पूरी कैबिनेट कांग्रेस की। कांग्रेस और बीजेपी कुश्ती जैसा गेम खेलते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। केदारनाथ आने वाले भक्त अक्सर बाबा केदार की ही पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ज्यादातर भक्तों को ये नहीं पता कि केदार बाबा की पूजा अर्चना से पहले केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा का विधान है। केदारनाथ धाम से आधा किलोमीटर दूर स्थित भैरव बाबा के कपाट जब तक नहीं खुलते तब तक केदार बाबा की आरती नहीं होती और ना ही भोग लगता है। जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं और केदारनाथ में कोई नहीं रहता तो भैरवनाथ ही संपूर्ण केदार नगरी की रक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ जी का धाम में भूखंड भैरव का नाम से, खाल भैरव का नाम से और क्षेत्रपाल का नाम से जाना जाता है काला भैरवनाथ जी हैं। काला भैरवनाथ जी का महिमा ऐसी है, काल भैरवनाथ जी है ये क्षेत्र का रक्षा करने वाले हैं। जो भी क्षेत्र में है केदारनाथ जी का क्षेत्र में जो आता है, जो यात्रार्थी आता है, जो भगवान केदारनाथ जी का दर्शन के लिए आता है, वो भैरवनाथ जी ने पहले उनको दर्शन दे के उनको रक्षा कर देते हैं, उनका स्वास्थ्य का लाभ दे देते हैं। और जो इधर आते हैं सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके फिर काल भैरवनाथ जी का दर्शन भी श्रद्धालु कर लेते हैं। रुड़की में राजस्व और खनन विभाग की टीम ने सरकारी भूमि से मिट्टी के खनन पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए वाहनों को पुलिस को सौंपा गया। गाधरोणा गांव में बालाजी मंदिर के पास काफी मात्रा में सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है। उस मंदिर पर काफी समय से रेत और मिट्टी का खनन किया जा रहा था। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी ने राजस्व और खनन विभाग की टीम के साथ छापे मारकर खनन करते मिट्टी से भरे 2 डंफर, 1 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की। वहीं खनन करते जेसीबी और वाहन पकड़े जाने से बौखलाया खनन माफिया मौके से फरार हो गया और टीम पर पकड़े गए वाहनों को छुड़वाने का दबाव बनाने लगा, जिस पर पलटवार करते हुए तहसीलदार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो रुड़की का ये पूरा मामला, जहां पर खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की तो खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ना मिली थी फोन से कि गाधरोना में जो है अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो यहां पे हम जैसे ही आए तो यहां पे जो दुलारी का खेत है 4 नंबर जो चकबंदी के पटवारी ने हमें बताया है, तो इसकी अनुमति है 3025 घन मीटर की। इसमें से खनन हो रहा था, जो खनन विभाग और हमारे राजस्व विभाग ने और चकबंदी विभाग ने मिलकर पैमास करी, वो 882 घन मीटर आया है अभी तक 3025 के सापेक्ष। लेकिन इसके बाद हमें सूचना मिली कि आप थोड़ा अगर आगे जाओगे तो आगे भी इसमें खनन हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।